हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी, शॉर्ट सीरीज के स्टोरीज को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उसी में आज एक नई स्टोरी है जिसका हेडिंग है द बॉय हु वेंट स्विमिंग। लड़का हु वो किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। गो वेंट गोन होता है तो पास्ट में है, स्विमिंग जो तैरने के लिए गया, तो लड़का जो तैरने गया हेडिंग है। देखते हैं स्टोरी क्या है। वंस, एक समय या एक बार, देयर लिव्ड अ बॉय हु लव्ड ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट। तो देखिए, देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, इस सिर्फ सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए लाया जाता है। तो एक लड़का रहता था, हु है तो किसके लिए आया है, ऊपर हम बताए थे बॉय के लिए आया है, जो पसंद करता था या जो जिसको वो यहाँ प्यार करना नहीं होता, जिसको वो पसंद करता था, जो पसंद करता था ऑल काइंड्स, हर तरीके का खेल, ऑफ स्पोर्ट है, हर तरीके का खेल पसंद करता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट स्विमिंग सो फार आउट इनटू द रिवर। यहां तक हम पढ़ते हैं, एक दिन क्या किया, वह स्विमिंग के लिए गया, वेंट स्विमिंग मतलब स्विमिंग के लिए गया, इतनी दूर, सो फार मतलब काफी दूर, सो फार आउट इनटू द रिवर, काफी दूर नदी में चला गया तैरते तैरते, ठीक है। दैट, अब दैट आ रहा है कि अब उसके बाद क्या होगा, सो जो है, सो के बाद जब कभी भी आता है तो दैट आता है, तो दैट ही बिगेन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट। इतना आगे चला गया नदी में तैरते तैरते कि क्या हुआ कि वो बिगेन होता है, बिगन होता है, तो ये पास्ट में है, तो बिगिन मतलब होता है शुरू करना या होने लगना, तो वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया, इस तरह से होंगे मैंने संघर्ष करना शुरू हो गया, वो किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट, जो तेज धार थी, यहां स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत नहीं, तेज धार के अगेंस्ट में क्या हो गया, स्ट्रगल करने लगा, मतलब संघर्ष करने लगा, उसको प्रॉब्लम होने लगा। एज द बॉय बिगिन टू सिंक, एज मतलब होता है जैसे, जैसे ही बॉय लड़का जो था शुरू हो गया डूबना शुरू हो गया, He caught sight of a man standing near the shore. He किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, उसने उसे नजर, caught sight का मतलब होता है नजर आना, catch sight मतलब नजर आना, तो यह है caught sight, पास्ट में है, तो नजर आया, क्या नजर आया, एक मैन, एक आदमी, स्टैंडिंग नियर द शोर, एक आदमी जो खड़ा था कहाँ, नियर द शोर मतलब तट पर, जो नदी का तट था उसके नजदीक में खड़ा था। He yelled at him for help. वह yell मतलब होता है चिल्लाना, उस पर, उसकी तरफ चिल्लाया, at him मतलब नहीं, उसकी तरफ चिल्लाया, किसके लिए, for help मदद के लिए। But instead of coming to the boy's rescue, लेकिन boy's rescue है, apostrophe और s है, और rescue मतलब होता है बचाव के लिए, लड़का के बचाव में आने के बजाय, ये इस लड़का के बचाव में आने के बजाय, इंस्टीड का मतलब के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ कमिंग टू द बॉयज रेस्क्यू का मतलब हो गया लड़का के बचाव के आने के बचाव में आने के बजाय, द मैन स्टूड देयर एंड बिगिन एडवाइजिंग द बॉय अबाउट हाउ ही शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। अब क्या करने लगा, बचाने तो आया नहीं, आदमी जो था वहां खड़ा हो गया, स्टूड देयर, स्टैंड का पास्ट है स्टूड, तो वहां खड़ा हो गया, एंड बिगेन एडवाइजिंग, और बिगेन मतलब शुरू हो गया, एडवाइज मतलब होता है क्या करना, सुझाव देने लगा, मतलब उसको सलाह देने लगा, क्या, किसको, लड़के को, किस चीज के, अबाउट मतलब होता है किसके बारे में, किस चीज के बारे में देने लगा, लड़के को सलाह देने लगा, किस चीज के बारे में, हाउ, कैसे, ही शुड बी मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, कैसे उसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए, ही शुड बी मोर केयरफुल का मतलब हो गया सतर्क, इन द फ्यूचर भविष्य में उसे कैसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए, रादर देन कि उसको बचाना चाहिए था, तो उसको अब इसको फिलॉसफी देने लगा। अब आगे देखिए क्या होता है, द बॉय कॉमा है हु वॉच क्लोज टू द ड्रॉमिंग, अब द बॉय है और हु वॉच क्लोज टू ड्रॉमिंग किसके लिए आया है, तो लड़का के ही बारे में बता रहा है कि लड़का किस स्थिति में आ गया है, तो लड़का जो डूबने के करीब आ चुका था, इस तरीके से हु वॉच क्लोज, जो नजदीक था डूबने के, टू ड्रॉनिंग का मतलब हो गया डूबने के नजदीक था, सेड,
कहा, सर श्रीमान महोदय, सेव योर सर्मन फॉर लेटर। अपना जो सर्मन मतलब होता है उपदेश, अपना जो उपदेश है वो बाद के समय के लिए बचाइए। प्लीज डू समथिंग टू सेव मी फर्स्ट, कृपया करके कुछ कीजिए मुझे बचाने के लिए। टू सेव मी फर्स्ट, पहले मुझे बचाने के लिए कुछ कीजिए। एडवाइस विदाउट प्रैक्टिकल हेल्प इज ऑफ नो यूज टू एनीवन, सलाह जो है बगैर मतलब प्रैक्टिकल हेल्प का मतलब हुआ कि बिना किसी को मदद किए हुए, प्रैक्टिकल मतलब कि प्रायोगिक तौर पर आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो जो एडवाइस है सिर्फ मुंह से बोलकर अगर आप उसको कर नहीं रहे हैं तो किसी भी यूज का नहीं है और किसी के लिए नहीं है। तो रादर देन के एडवाइस दीजिए, उससे अच्छा है कि उसकी मदद भी कीजिए। तो यही आज की स्टोरी थी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बाय हेल्पिंग अदर्स वी हेल्प आवर सेल्फ, दूसरों की मदद करके हम लोग अपनी मदद करते हैं, वी के लिए आवर सेल्फ आता है। तो यही आज का स्टोरी था, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।